नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद क्या कांग्रेस को छोड़ने जा रहे हैं? ये सवाल हम इसलिए नहीं उठा रहे हैं क्योंकि बैक टू बैक ये सिलसिला जारी है। ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जिस तरह के वो ट्वीट कर रहे हैं, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं, देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि हो सकता है गुलाम नबी आजाद के बाद अगला नंबर आचार्य प्रमोद का हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि हम ये सारी बातें कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है। क्या कुछ लिखा है उन्होंने इस ट्वीट में, मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। आचार्य प्रमोद लिखते हैं, इंडिया गेट का नाम भारत द्वार होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी। आपको बता दें, हाल ही में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर शोर से इसका उद्घाटन किया, तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, स्पेशल कवरेज हमने आपको दिखाई थी, और उसके बाद से ही आचार्य प्रमोद लगातार इस तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं कि नाम बदला जाना चाहिए। आपको याद होगा हाल ही में आचार्य प्रमोद ने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ कर देना चाहिए, और यहां पर उन्होंने पीएमओ इंडिया को टैग किया था। अब उनका बैक टू बैक ये दूसरा ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने इंडिया गेट के नाम को बदलने की मांग उठाई है, और ये मांग उन्होंने की है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो ये जो बैक टू बैक अपील की जा रही है कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद के जरिए, लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि सर अब आपने मन बना लिया है क्या कि चलो अब कांग्रेस छोड़ देते हैं और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। वैसे आपको बता दें, कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका होगा अगर ऐसा होता है तो। फिलहाल ऐसी कोई खबर है नहीं। बता दें आपको, गुलाम नबी आजाद ने भी पहले ऐसे ही हिंट देने शुरू किए थे, नेगेटिव बोलना शुरू किया था, और उसके बाद सबने देखा क्या हुआ। वैसे यहां पर आपको एक और बात बताती चलूं, आचार्य प्रमोद अक्सर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। बहरहाल आप बताइए, आपका इस खबर पर क्या कहना है?